ड्रे डिजाइनर ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके घर पर भी एक सिलाई मशीन है और आपकी सिलाई मशीन रखे रखे जाम हो जाती है या फिर आपकी सिलाई मशीन पर जंग लग जाती है तो आप अपनी सिलाई मशीन की सर्विस घर पर ही कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सबसे सरल तरीके से सिलाई मशीन की पूरी सर्विस करने का तरीका बताऊंगा। आपकी कितनी भी प्रॉब्लम होगी वो आसानी से इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने अपनी सिलाई मशीन को ले रखा है, इसी सिलाई मशीन की हम सर्विस करेंगे। हालांकि इस सिलाई मशीन को लिए हुए काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ी सी जाम चल रही है। तो अगर आपकी भी सिलाई मशीन में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए होगा। सिलाई मशीन की सर्विस करने के लिए सबसे पहले हमने इस तरीके की कुप्पी ली है। इसमें हमने 3 पैकेट ऑयल के डाले हैं जिससे कि हम सर्विस करेंगे। इसके बाद हमें चाहिए होगा इसी के साथ एक स्क्रू ड्राइवर के बाद हमें चाहिए होगा ब्रश जिससे हम सफाई करेंगे। और इसके साथ ही दोस्तों, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी है ये है, इस तरीके की आपको कोई भी एक चीज़ ले लेनी है। तो जैसे कि यहाँ पर ये सुई है तिरपाई वाली, हम इसकी मदद से ही मतलब जो इसमें डस्ट होता है उसको निकालेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है अगर आप अपनी सिलाई मशीन को अच्छी तरीके से सर्विस करना चाहते हैं। सबसे पहले इसको इस तरीके से ही, जो हमारा डिब्बी होती है खोलने वाली, हमें इसको यहाँ से खोल के अलग कर लेना है, इसको निकाल देना है। उसकी डिब्बी जो है, हमें डिब्बी को भी अलग करके निकाल लेना है। तो हमने इसकी डिब्बी को भी निकाल लिया है। निकालने के बाद इसके इस तरीके से हमें पेज को खोल लेना है। पेज को जब हम खोल लेंगे तो हमें पूरे पेज खोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने थोड़ा सा ही खोला। ये हमारी थोड़ी धूल वगैरह होगी तो इस तरीके से हमें ब्रश से लेके इसको क्लियर से साफ़ कर लेना है। तो यहाँ से तो हमने साफ कर लिया है। अब नीचे की साइड, जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारा बूट है, तो ये हमारे 2 पेज हैं, इन दोनों पेजों को भी हमें खोल लेना है। तो हमने दोनों पेजों को खोल लिया है। अब इसके बाद इस ढक्कन को इस तरीके से हम अलग कर देंगे। तो इसको इस तरीके से ब्रश की मदद से हमने साफ कर दिया है ऊपर के। और जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें अंदर बहुत ही ज़्यादा कचरा भरा हुआ है, तो इसको भी हम ब्रश की मदद से इस तरीके से सफा कर लेंगे। तो जहाँ पे हमारे ब्रश नहीं पहुँचेगा वहाँ पे हम इस तरीके की पतली सी, जैसे कि आप देख सकते हो, सुई, इसका हम यूज़ करके इसको दांतों को सफ़ा कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, ये दांतों को सफ़ा करने के इस तरीके से ही काम आती है। इसमें आप देख सकते हो, हमने अच्छे से इसको सफ़ा कर लिया है। इसका ऑयलिंग अभी हम नहीं करेंगे, पहले इसमें जितनी भी हमारी डट्स है वो सब हमें निकाल लेनी है, जैसे कि आप देख सकते हो। और अब नीचे की बात करें तो नीचे भी इसको इस तरीके से ही आप सफ़ा कर लें। तो यहाँ से हमने पूरी क्लियर इसको सफ़ा कर लिया है। अब हम करेंगे इसमें ऑयलिंग। तो सबसे पहले, जैसे कि आप ये 2 प्रोसेस यहाँ पर देख रहे हो, ये हमारे 2 होल होते हैं, जहाँ जहाँ हमें ऑयल डालना होता है वहाँ वहाँ इस पर एरो बना हुआ है, यानी हमें यहाँ यहाँ ऑयल डालना है। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है आप सेम उस तरीके से डालें। अगर नहीं लिखा होता है, काफ़ी मशीनों पर मिट जाता है, तो मैं इसलिए आपको अच्छे से बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये आप दे सकते हो 2 होल, इसमें हमें ऑयल को भर देना है। तो जैसे कि हमने इसमें दोनों में ऑयल भर दिया है, तो ये हमारा इस साइड में आ जाएगा मशीन में। फिर उसके बाद हमें, जैसे कि आप ये देख सकते हो, 2 होल यहाँ पर दिए हुए हैं, तो ये वाला सीधा हमारा ऑयल जो है हमारे सुई से पार्ट्स को कनेक्ट होता हुआ जाएगा। जैसे कि हमने इस साइड खोल दिया था, तो अब यहाँ पे भी हमें ऑयलिंग करनी है। तो इसको इस तरीके से अच्छे से कर देंगे। बाकी जो 2 होल दिख रहे हैं, इनमें को हम ऑयल और कर देंगे। तो जैसे कि देख सकते हो, ये हमारा बूट है। अब हमें बूट के इधर नीचे डालना है, जैसे दांते वगैरह देख सकते हो आप, जहाँ से अभी हमने दांते सफ़ा करे थे, हमें दांतों की साइड भी डालना है, जिससे कि हमारी डिब्बी वगैरह में आराम से ऑयल हो जाए। और जो इस तरीके की हमारी 2 बोल्ट दिख रहे हैं पेंच, इसमें भी आप डालें, जिससे कि ये खुलने में बाद में दिक्कत नहीं पड़े। तो आप देख सकते हो हमारी कितनी स्मूथली चल चुकी है। तो हमने इसमें अच्छे से आप ऑयलिंग कर दी है। ऑयलिंग करने के बाद, जैसे कि इसको हम अच्छे से आप पैक कर लेते हैं। तो हमने इसकी डिब्बी को निकाल दिया था। डिब्बी को निकालने के बाद हमने इसको, डिब्बी को भी साफ़ करने के बाद इसमें हल्का सा ऑयलिंग कर देंगे। लेकिन इसमें हमें अभी डिब्बी को नहीं लगाना है। डिब्बी को हमें इसको तकरीबन 12 घंटे के लिए इसको ऐसे छोड़ देना है। पहले हम इसको थोड़ा क्लियर सफ़ा कर लेते हैं किसी कपड़े से। तो इस तरीके से हमें एक कपड़ा ले लेना है, छोटा सा पीस कपड़े को, ताकि हम इसलिए मैं ले रहा हूँ ताकि इसमें जो जितना भी हमारा एक्स्ट्रा ऑयल हो वो इसको एब्जॉर्ब कर ले। इसको इस तरीके से लग रखने के बाद सुई को हमें पूरे नीचे की तरफ कर लेना है। लेकिन डिब्बी जो है, हमें डिब्बी इसकी बाहर निकाल लेना है, डिब्बी में इसको नहीं डालना है। क्योंकि अगर डिब्बी हम इसमें लगा देंगे तो जितना भी ऑयल होगा डिब्बी के ही धागे में लग जाएगा।
तो इसलिए हमें इसको इस तरीके से तकरीबन 7 से 8 घंटे इस तरीके से छोड़ देना है, फिर जिससे कि हमारा जितना भी एक्स्ट्रा वाला ऑयल होगा ये सब इसमें आ जाएगा। उसके बाद इसको आप जब चलाओगे तो आपके कपड़े पे ऑयल नहीं लगेगा। तो एक सिंपल सी ट्रिक है जिससे कि आप आराम से ऑयलिंग भी कर सकते हो और आपके और कपड़े भी हमारे बेकार नहीं होंगे।